स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ स्टैंडर्ड 7, दैट इज द फिजिक्स, फ्रॉम द फिजिक्स, दैट इज इलेक्ट्रिक करेंट एंड इट्स इफेक्ट। ओके, तो आज हम लोग ये पहला चैप्टर क्लास 7 के लिए, ठीक है, जो कि फिजिक्स से है। इसमें चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि सिंबल ऑफ कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, इसके बाद इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, इलेक्ट्रिक करेंट का क्या क्या इफेक्ट होता है, ठीक है, उसमें बहुत सारे इफेक्ट हमको पढ़ना है, स्पेशली हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ना है, केमिकल इफेक्ट भी पढ़ना है, लेकिन ये आप लोग के स्टैंडर्ड के लिए नहीं है, ये केमिकल इफेक्ट हम लोग को स्टैंडर्ड 8 में पढ़ना है। हालांकि मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा इसमें क्या होता है केमिकल इफेक्ट इलेक्ट्रिक करेंट का। इसके बाद इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोमैग्नेट, थर्ड टॉपिक इसमें है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट किसे कहते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होता कैसे है, कैसे तैयार होता, कैसे बनता है, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूजेस पढ़ना है, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट जहाँ सोलेनोइड में, सोलेनोइड भी क्या होता है ये भी हम बताएंगे आप लोगों को, ठीक है, कि सोलेनोइड होता क्या है। फिर और कहाँ इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का, इलेक्ट्रिक बेल में, बहुत सारे लाउड स्पीकर्स में इस्तेमाल होता है, ठीक है, ये सब चीज, ये सारे चैप्टर इस चैप्टर में हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक, सिंबल ऑफ कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। पहला टॉपिक है सिंबल ऑफ कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। तो आप जैसे कि प्रीवियस क्लास में यानी स्टैंडर्ड 6 में आप लोग पढ़ चुके होंगे सिंबल्स ऑफ सम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट क्या होता है ये भी हमने क्लास 6 में बताया था, आप लोगों को याद होगा या नहीं होगा, कि बल्ब का कैसा सिंबल होता है, वायर का कैसा सिंबल होता है, ठीक है, स्विच का कैसा सिंबल होता है, स्विच में भी ओपन स्विच, क्लोज स्विच का कैसा सिंबल होता है, सेल का कैसा सिंबल होता है, ये सब चीज आप लोग पढ़ चुके हो। वही सब सिंबल को हम लोग एक सर्किट के रूप में दर्शाएंगे, सर्किट के रूप में बताएंगे। सर्किट भी दो प्रकार का, स्पेशली क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट। क्लोज सर्किट कब कहेंगे और ओपन सर्किट कब कहेंगे ये भी हम इसमें आपको बताएंगे। तो पहले इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या कंपोनेंट इस्तेमाल होता है वो चीज हम यहां बनाएंगे और उसमें सिंबल को दर्शाएंगे, सिंबल के द्वारा इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ कंपोनेंट का सबसे पहले सिंबल हम लोग देख लेते हैं, सिंबल ऑफ कंपोनेंट में, जैसे बल्ब, बल्ब का सिंबल ये, इसके बाद सेल या बैटरी, सेल या बैटरी इसका सिंबल, एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन। जो बड़ी लाइन है वो पॉजिटिव से दर्शाते हैं और जो छोटी लाइन होती है उसको निगेटिव से दर्शाते हैं। और इसी में बैटरी का भी सिंबल कब हमने बताया था, जैसे कि क्लास 6 में आप लोग पढ़ चुके हो कि बैटरी के बारे में, तो बैटरी द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल का कॉम्बिनेशन जो होगा उसको हम बैटरी बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह करेंगे, जैसे ये आपका सेल, ठीक है, ये सेल वन और ये सेल टू, ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये आपका एक क्या बन जाएगा, दोनों बैटरी बन जाएगा। इसके बाद वायर, तार भी चाहिए आपको इलेक्ट्रिक सर्किट में, तार भी होता है वायर भी होता है, तो वायर को कैसे हम लोग दर्शाएंगे, जैसे या सिंपल ऐसे लंबा लाइन भी दे सकते हैं, एक लंबी लाइन भी दे सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। स्विच, स्विच का सिंबल, स्विच का सिंबल ही बहुत तरह का, जैसे आप इस्तेमाल करो स्विच, स्विच में भी क्लोज स्विच और ओपन स्विच, स्विच में भी क्लोज स्विच होता है और ओपन स्विच होता है। जब क्लोज स्विच होगा तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और जब ओपन स्विच होगा तो सर्किट ओपन हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो स्विच में भी हम लोग बनाएंगे, दर्शाएंगे, ये जो है ये ओपन स्विच हो गया, ये कौन सा स्विच हो गया, ओपन स्विच, ओपन स्विच, और फ्लो स्विच, दिस इज क्लोज स्विच, दिस इज क्लोज्ड स्विच,
एक और तरीके से हम लोग इस स्विच को दर्शा सकते हैं, दैट इज ओपन स्विच, ये ओपन स्विच है और एक ये क्लोज स्विच, ये भी एक तरीका है स्विच को बताने का, ठीक है। अब यही सब सिंबल का इस्तेमाल करके हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट में तैयार करेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक सर्किट में ये सब सिंबल को एक एक करके हम लोग यहां देखते हैं, बनाते हैं, ठीक है। यही सब सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले क्या एक सेल चाहिए इलेक्ट्रिक सर्किट में जो पावर सप्लाई करे, एक सेल चाहिए, ठीक है। दिस इज ये सेल है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, और ये वायर, ये कंडक्टिंग वायर हो गया, ठीक है, ये कंडक्टिंग, ठीक है। इसमें हम लोग यहां एक क्या लगा देंगे, बल्ब लगा देंगे, ये बल्ब, ठीक है। जस्ट दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रिक सिंबल, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ सिंबल ऑफ द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। ये इसमें यहां एक हम लोग क्या लगा देंगे, यहां या कहीं भी पॉजिटिव से निगेटिव की ओर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, ये ध्यान रखना है, पॉजिटिव से निगेटिव की, ठीक है। तो यहां पर एक हम स्विच लगा देंगे, या यहां कहीं भी वायर में एक स्विच लगा देंगे, ये क्लोज स्विच हो गया, ठीक है। और ये आपका क्लोज स्विच है, तो क्लोज स्विच के कारण ये आपका क्या हो गया, ये दैट इज द, ये आपका ये क्लोज सर्किट, इसको हम लोग कहते हैं, इस तरह के सर्किट को क्लोज सर्किट बोलते हैं, क्योंकि ये सर्किट क्लोज है, स्विच क्लोज है, ठीक है, इसलिए इसको क्लोज सर्किट बोलते हैं, क्लोज्ड सर्किट या इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर यही स्विच अगर ओपन हो जाता, अगर सेकेंड केस में अगर स्विच ओपन हो जाता, अगर खुल जाता, तो ये सर्किट ब्रेक कर जाता और ये आपका बल्ब जल नहीं पाता, और इस केस में इस तरह के सर्किट को हम लोग ओपन सर्किट बोलते हैं। अगर ये स्विच जो है, ये स्विच को अगर ओपन कर दिए, ठीक है, खोल दिए, तो इस तरह के ये को हम लोग ओपन सर्किट बोलते हैं, ठीक है, ये चीज है। तो ये देखो इसमें सिंबल्स हम लोग इस्तेमाल किए सर्किट में, ये सेल का सिंबल हो गया, किसका सिंबल हो गया, ये सेल का सिंबल हो गया, ये किसका सिंबल हो गया, ये बल्ब का सिंबल हो गया, ठीक है। और ये इसके बाद ये किसका सिंबल हो गया, ये आपका स्विच का सिंबल हो गया, किसका सिंबल हो गया, स्विच का सिंबल हो गया, स्विच में ही क्लोज और ओपन, और ये सब जो है ये आपका ये वायर है, ये कंडक्टिंग वायर है आपका, ठीक है। ये सब सिंबल इस्तेमाल करके एक हम सर्किट बनाए, ठीक है। अब आगे ये टॉपिक खत्म हो गई, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे दूसरी टॉपिक, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट क्या होता है, बहुत सारा इफेक्ट पढ़ना हम लोग को, लेकिन स्पेशली क्लास 7 में हम लोग को पढ़ना है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। क्लास 8 में हम लोग को पढ़ना है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन हम बता दें कि इफेक्ट होता क्या है इलेक्ट्रिक करंट के कारण, ठीक है। तो अब दूसरा टॉपिक हम लोग करेंगे, ठीक है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कर लेंगे, स्पेशली क्या क्या होता है। सेकेंड टॉपिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट सबसे पहले देखेंगे हीटिंग इफेक्ट, कहां कहां, जैसे हीटिंग इफेक्ट मतलब गर्म होना, अगर बिजली से चलने वाले जो भी वस्तु हैं, जैसे आपका फैन हो गया, बल्ब हो गया, जो पीली रोशनी को जो करती है, पीली रोशनी जो निकलती है वाली बल्ब, या सबसे अच्छा एग्जांपल है आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है, ये सब जो है ये गर्म हो जाता है, जब बिजली उसमें हम लोग सप्लाई करते हैं, करेंट जब सप्लाई करते हैं तो गर्म हो जाती है, ठीक है। या इमर्जन रॉड, वाटर हीटर जो रॉड होती है, जो ठंड के समय में हम लोग पानी गर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो भी वो सब क्या है, जैसे बिजली उसमें सप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि वो गर्म हो जाता है। तो यही चीज है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक, जैसे ही बिजली सप्लाई देते हैं, करेंट सप्लाई करते हैं, तो जो भी बिजली
जिससे चलने वाले उपकरण हैं, ठीक है, वो गर्म होता है, वो एक तरह से एनर्जी का कन्वर्जन होता है, यानी एनर्जी को कन्वर्ट करता है। कैसे एनर्जी को कन्वर्ट करता है भाई? तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को, ठीक है, प्रीवियस क्लास में, दैट इज क्लास 6 में आपको पढ़े होंगे कि एनर्जी, ये कहा गया है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में केवल चेंज हो सकता है, लेकिन एनर्जी को खत्म नहीं किया जा सकता है, नहीं उसको हम लोग बना सकते हैं, ये चेंज होते रहता है, ये साइकिल। तो उसी तरह ये इलेक्ट्रिक करंट हम जो पढ़े, ये इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और जो भी बिजली से चलने वाले वस्तु हैं, ठीक है, वो आपको क्या बोलते हैं, जो बिजली से चलने वाले उपकरण है, जैसे फैन, इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, ये सब वो हीट प्रोड्यूस करते हैं, ये हीट प्रोड्यूस, और इसी को हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। कहां कहां हीटिंग इफेक्ट होता है देखने को मिलता है, हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हीटिंग इफेक्ट का, दूसरा, ठीक है, गीजर, इट इज एटसेट्रा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है, इतना ही टॉपिक आज हम लोग करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में बाकी के जो बचे टॉपिक है वो हम लोग करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।